देखते हैं भाई आज हमें हेल्प चाहिए भाई, कोई हेल्प करेगा। अरे अंकल अंकल प्लीज यार रुक जाओ ना यार भैया, प्लीज मेरे घर तक छोड़ दो यार। अरे हाँ भैया। पापा पिछली बार तो आपने मूली के परांठे खा के पटाखे बजा दिए थे, पर इस बार मुझे असली के पटाखे चाहिए। ये नहीं मानेगा। ऐसा करता हूँ सबसे सस्ते वाले दिला लाता हूँ इसे। चल बेटा फिर दिला लाता हूँ तुझे, चल। अब भैया आइए सर आइए, बच्चे के लिए पटाखे दिखाओ। ये लो सर सबसे अच्छा पटाखा, आपको 500 का लग जाएगा। नहीं इससे सस्ते दिखाओ। ये लो सर ये आपको 300 का लग जाएगा। नहीं भैया इससे भी सस्ता दिखाओ। ये लो ये 200 की लग जाएगी। नहीं भैया इससे भी सस्ता। अच्छा इससे भी सस्ता चाहिए। आइए फिर आपके लिए अंदर स्पेशल पटाखा, आओ अंदर आओ। ले मार मौज। पापा ये कौन सा पटाखा था, बड़ी ऊंची आवाज आई। पापा बच्चे ये लो आपके लिए आईफोन और ये आपका गिफ्ट। यार यहाँ तो पुलिस का नाका है, अगर तू एक लफ्ज भी बोले ना तेरी जान ले लूंगा। सर गाड़ी आगे लगा दें। जी मैं आगे कार लगाता हूँ। जी सर। सर अपना आईडी कार्ड और लाइसेंस चेक करवाएं। जी जी सर मैं कराता हूँ, ये ले सर। आप कहाँ जा रहे हो भाई? हम आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, जरा शादी है उसको अटेंड करने। ठीक है आप जाएं। ठीक है सर हम जा रहे हैं। ओके थैंक यू। गाड़ी करोगे उसको? अब क्या हो गया? सर आप लोग सब नीचे आ जाएं। बच्चे दोस्तों एक आदमी अपने बच्चे को लेकर जब कंप्यूटर चला रहा होता है तब उस बच्चे को उस कंप्यूटर में एक कार पसंद आ जाती है और वो बच्चा अपने पापा से उस कार को खरीदने के लिए जिद करने लगता है, लेकिन उस आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एक न्यू ब्रांडेड कार खरीद सके। अब वो ओए रुक जा मैं अपनी लेसेस बांधता हूँ। चलो भाई ताला लगा दिया। अरे ये कहाँ गया? अरे साले अंदर है क्या? Nope. पहले मुझे तो बाहर आने देता गांडू। ओए नीचे से आजा, नीचे से बहुत जगह है। चल रुक मेरे पास तो चाबी है, अभी खोलता हूँ। चला जल्दी से बाइक पर बैठ। अबे यार सामान तो छूट गया। अबे रुक जा। ओए 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 रुको ओए। चल भाई सोप आ गई, जल्दी से नीचे उतर। अबे ये कहाँ छूट गया? Nope. अबे गांडू मुझे तो बिठा लेता बाइक पर यार। भाई मुझे तो लगा तू बाइक के पीछे ही बैठा है। चल छोड़ यार तू तो पागल है भाई, चल सामान लाते हैं। अंकल इन तीनों सामान का कितना हुआ? अरे बेटा रुको अभी बताता हूँ। 17 17 17 प्लस 17 ये हो गए बेटा तुम्हारे 321 रुपए। अरे अंकल ये कौन से हिसाब है? ये 3 बॉक्स है और 17 के हिसाब से इन तीनों का 51 रुपए हुआ। अबे गांडू दुकानदार मैं हूँ के तू। ओए रुक जा मैं अपनी लेसेस। अरे बन्ना देख तेरा भैया कैसे कॉफी बनाएगा। हे यार भैया कॉफी स्टैक में तुम्हारा स्वागत है, बहुत ही बढ़िया ओपी कॉफी बनाना। अरे बन्ना तू टेंशन मत ले, तेरा भैया ऐसा कॉफी बनाएगा आज तू देखता रह जाएगा। हे यार भैया लेकिन ये क्या तुम्हारे कॉफी तो टूट गई यहीं पे। अरे बन्ना ये क्या आज सचमुच में? हे यार भैया चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी तुम और आगे देखो। अरे बन्ना तू घबराता क्यों है, आगे देखूंगा आज स्लिप लगाऊंगा। यार भैया तुमने तो सच में स्लिप लगा दी यार। अरे बन्ना बिल्कुल स्लिप लगा दिया, आधे कितने पैसे? यार भैया बहुत सारे पैसे, ये देखो यार कितना स्कोर हुआ, मजा ही। अरे बन्ना दोस्तों यहाँ पर ये मोटी लड़की जूती पहन रही होती है लेकिन इसके पैर में वो जूती नहीं आती है, लेकिन ये मोटी लड़की बहुत ज्यादा जबरदस्ती करती है, उसके बाद ये जूती तुरंत फट जाती है और ये सब देखकर तुरंत चौंक जाती है। उसके बाद वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, उसके बाद ये लड़का अपना जैकेट इस लड़की को दे देता है और ये मोटी लड़की पहनने लगती है, लेकिन इसको भी ये जैकेट नहीं आता, ये जबरदस्ती करती है तुरंत यहाँ पर फट जाता है। उसके बाद इस मोटी लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और यहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद ये लड़का अपना रेंजर साइकिल लेता है और अपने साइकिल के पीछे इस मोटी लड़की को बैठा देता है, तभी साइकिल का पहिया टूट जाता है। उसके बाद ये दोनों ऐसे ही बढ़कर आगे जाने लगते हैं, बट आगे जाने के बाद इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बट उससे पहले ही भोलेनाथ जो इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके माता पिता का उम्र बढ़ा देना। तो दोस्तों मैं तो लाइक कर दिया, अब देखता हूँ आप में से कौन कौन करता है। दोस्तों उसके बाद ये लड़का काफी दूर आ जाता है, तभी लड़का सामने देखता है ये बूढ़ी औरत काफी देर से अपना गाड़ी पार कर रही होती है, लेकिन ये गाड़ी इनसे पार्क नहीं होता है। तभी लड़का यहाँ पर आकर इनका हेल्प करने लगता है लेकिन अभी भी गाड़ी पार्क नहीं हो पाता है। ये सब देखकर इस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसके बाद ये लड़की भी यहाँ आने लगती है। उसके बाद ये लड़की तुरंत यहाँ पर आ जाती है और गाड़ी के अगले वाले हिस्से को उठाकर ये पार्क कर देती है। ये सब देखकर ये बूढ़ी माँ तुरंत डर जाती है। उसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं।
तो यहाँ पर ये मोटी लड़की, चलो फेंको। शाबाश एक नंबर भाई, एक नंबर। अब गणेश जी करेंगे हवा से बात क्योंकि इनके आई है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना ठीक है। एरोप्लेन यार। तो गाइस एक नंबर के ऊपर यहाँ पर आ चुकी है इस बच्चे के एरोप्लेन, और इसको मैं खोल के बता देता हूँ। भैया मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए, मैं वहां पर जाकर छुपा हूँ, प्लीज किसी को बताना मत। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। भाई साहब मैं एक पुलिस वाला हूँ, आपने इस लड़के को कहीं देखा है? ये लड़का यहाँ की सबसे रईस लड़की का बैग चोरी करके भागा है, उसके अंदर 5 करोड़ रुपए के हीरे पड़े हुए। 5 करोड़ रुपए के हीरे देखा? नहीं नहीं मैं नहीं जानता। ओए खड़े हो जा, तूने मुझे क्या बोला कि मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए, पर तू तो एक चोर निकला। अरे भैया आपको सब पता चल ही गया है, तो आधा आप रख लो और आधा मैं रख लेता हूँ, चल इधर दे। अरे भैया चोरी मैंने की है, मुझे तो कुछ मिलना चाहिए। ये ले इसमें 1 लाख रुपए, खुश रहे इतने में। ए चल इसमें आधा आधा कर। हाँ चलो। अरे इसके अंदर तो सिर्फ मेकअप का सामान ही भरा हुआ है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर कर। बड़े दिनों बाद आज फाइनली छुट्टी मिली है, मैं बाहर का खाना खाने जा रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे जिमी? पापा मैंने आपसे गाड़ी मांगी थी, आपने गाड़ी वाली साइकिल दिला दी। हाँ तो इसमें गलत क्या है? सारे लोग मजाक उड़ाते हैं मुझे।